नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीओ भारत में। मैं प्रकाश इस समय मौजूद हूँ विकासखंड 96 के चुनाव में, चुनाव अंतर्गत इस समय गौरा गांव में मौजूद है जहाँ पर चुनाव चल रहा है। और हमारे साथ मतदाता के तौर पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के काशी प्रांत के सह संचालक श्री अंगराज सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे चुनाव के विषय में, और जो यहाँ पर अन्य लोग मौजूद हैं उनसे भी हम जानेंगे। पास आइए जी सर, आपका परिचय बताएं। अंगराज सिंह, सह प्रांत संचालक काशी प्रांत। जी सर, चुनाव जो चल रहा है यहाँ पर विधानसभा का, उपचुनाव चल रहा है, राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद यहाँ पर चुनाव चल रहा है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज काफी कम है सर, बहुत स्लो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम भारत निर्वाचन आयोग से यह अपील करते हैं कि उपचुनाव में भी आम चुनाव की तरह जिस प्रकार से प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में प्रभात फेरी निकाली जाती थी, मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है, इस प्रकार की प्रक्रिया उपचुनाव में भी होनी चाहिए। उपचुनाव भी महत्व रखते हैं, उपचुनाव आगे की दशा और दिशा तय करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस समय भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं से, सभी दल के कार्यकर्ताओं से यह अपील है कि वे मतदान स्थल से दूर जा कर के अपने बूथ के क्षेत्र में, प्रत्येक घर में अभी जाएं, अभी 2-3 घंटे का समय है। माताओं बहनों से निवेदन करें कि वे 5 बजे तक लाइन लगा करके मतदान के प्रतिशत को बढ़ावें और लोकतंत्र की रक्षा करें। लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, मतदान में भाग अवश्य लेना चाहिए। अतः मैं बार बार सभी दल के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि वे अपने बूथ के क्षेत्र में जाएं और सभी माताओं बहनों से निवेदन करके मतदान करने का आग्रह करें। इसके साथ साथ मैं प्रशासन को यह इस उपचुनाव के माध्यम से निर्देशित करना चाहता हूं कि प्रत्येक चुनाव में हम मतदान अवश्य करें, मतदान करना अनिवार्य है, इसके लिए प्रभात फेरी और विद्यार्थियों का प्रयोग करें, लोकतंत्र की रक्षा करें, यही निवेदन है। सर, जो वोट परसेंटेज कम चल रहा है इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, आम जनता को, यहाँ के प्रतिनिधि को, या फिर प्रशासन, चुनाव आयोग को? सबकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है, कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, और जितने भी हमारे इस समाज में रहने वाले लोग हैं जो मतदाता नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने घर के लोगों को कहें कि मतदान में अवश्य भाग लें। सर, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी है। अभी हम एक दो बुजुर्ग लोगों से मिले तो हमने कहा कि आप वोट डाल लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ का वोट पड़ रहा है, उन्हें जानकारी ही नहीं थी। कार्यकर्ता नहीं गए, उपचुनाव के कारण कुछ शिथिलता हुई है, और जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं तो उसका प्रचार प्रसार होता है, और जिससे लोगों के अंदर एक वातावरण बनता है, इसका भी कुछ प्रभाव में दिख रहा है। फिर भी हमारे बूथ पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम मतदान का प्रतिशत अच्छा कर लेंगे। सर, क्या लगता है डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें उसका जो योगदान है जनता के लिए, चाहे वो राशन का हो या कि अन्य चीज़ों के लिए? देखिए, इस समय मतदान चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का वो आप ऐसा प्रश्न न पूछें, हमारा एक भी आग्रह है कि मतदान हो। तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम जानेंगे कि किन मुद्दों पर आपने वोट किया। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नागेंद्र बहादुर सिंह जी। किस मुद्दे को लेकर सर आपने वोट किया? विकास, विकास और शांति, अमन, चैन जी। हाँ, तो साफ तौर पर इन्होंने न कह के सांकेतिक भाषा में बता दिया कि वोट इनका कहा गया होगा। आपका क्या नाम है सर? तो हमारे साथ मौजूद है भाजपा के जिला महामंत्री भी मौजूद हैं, प्रीतेश सिंह जी, हम इनसे जानेंगे क्या रहा वोट का परसेंटेज और किस तरीके से लोग यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं और पब्लिक को क्या सुविधा दे रहे हैं आप जी। आपका परिचय बताएं जी। मैं प्रीतेश कुमार सिंह, जिला महामंत्री भारतीय युवा मोर्चा। सर, वोट परसेंटेज काफ़ी कम है, क्या मतलब वाहन का अभाव भी है? मत प्रतिशत थोड़ा सा मानसून है, प्रचंड धूप की वजह से दोपहर में मत प्रतिशत थोड़ा डाउन चला है, अभी मत प्रतिशत तेजी से मतदाता निकल रहे हैं और समापन तक में काफ़ी मत प्रतिशत में सुधार आ जाएगा। तो जानकारी का भी सर अभाव है कहीं कहीं? ऐसा कुछ नहीं है, जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, और यह कहना वोट परसेंटेज जो कम है सर, स्लो चल रहा है, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, हम बता रहे हैं ना कि मानसून की वजह से ऐसा हुआ है, मत प्रतिशत शाम तक पूरे जिस जैसे बढ़ते हैं उस ढंग से मतदान पड़ेंगे। आपका परिचय सर? हमारा नागेश सिंह। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? हम राष्ट्रीय मुद्दा
इसके मुद्दे को, मतलब भारत अग्रसर कर रहा है। आपका परिचय दादा जी? जगदीश। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? यही विकास के लिए, विकास के लिए।